जनपद में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद जिला प्रशासन कोविड मरीजों को लेकर संवेदनशील बना हुआ है और ऑक्सीजन के साथ कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केविजयन पांडेय ने कहा कि प्रत्येक 5 किलोमीटर पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। जनपद के 20 ब्लॉकों पर कोविड अस्पताल खोलने की योजना है, जिससे समय से इलाज किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जिला अस्पताल में ओपीडी चालू किया जाएगा, जिससे संक्रमित अपना इलाज करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, पैनिक होने के दो तरह का जो वैसे मरीज में देखा हूँ इस अनुभव में। एक तरह से मान लीजिए तो कोई बिल्कुल अति आत्मविश्वास में बैठ जाते हैं, चाहे मुझे कुछ नहीं होगा, तब तक उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ख़राब स्थिति में घट जाती है, फिर तो ऑक्सीजन मतलब उसके लिए हॉस्पिटल के लिए आते हैं। दूसरा मैं कैटेगरी देता हूँ तो हल्की से भी ज़रा जुकाम आ जाते हैं, बुखार आ जाता है, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होकर के सीधे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, कहीं हो जाते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, देखिए 2-3 लक्षण हैं, आप ऑब्जर्व करते रहिए, और खास तौर पे जो उंगली में लगा करके पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, वो एक तरफ से एक अच्छा डिवाइस है, और एक छोटी सी एक थर्मामीटर घर पे रखिए, इस पे लक्षण तो बिल्कुल कॉमन है। खास तौर पे मान लीजिए तो ये जो किसी को भी कोविड होता है, ये जो वैसे मामूली जुकाम सर्दी जैसे ही लगता है, हल्की सी बॉडी पेन रहता है, और 1-2 दिन में ही पता चल जाता है आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अब नज़दीक में जो भी सेंटर है आपके पास, हम 24 घंटे का सेंटर भी यहाँ गोरखपुर में चालू कर रखा है, तुरंत आप टेस्ट करा दीजिए ताकि पैनिक ही दूर हो जाता है। हो सकता है कोरोना हो, नहीं तो कोरोना के अलावा बाकी बीमारी भी हो सकता है, वो क्लियर हो जाता है। नंबर 2, यदि मान लीजिए तो कोरोना नहीं है, कुछ लोग का हो सकता है बीपी और शुगर के वजह भी कुछ बीमारी हो सकता है, कुछ लोग का सीटी करना पड़ेगा, कुछ लोग का एक्सरे करना पड़ता है। आप बिना संकोच का हमारा कंट्रोल रूम है, उसे फ़ोन करके सलाह ले लीजिए। 24 घंटे हम लोग आपके लिए डॉक्टर यहाँ बिठा रखा है, अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक बार पूछ लेंगे, वो समझा देंगे आपका। हो सकता है आपका बाकी शरीर का कोई प्रॉब्लम की वजह भी वो लक्षण हो सकता है, उसका सलाह दे देंगे। डॉक्टर का सलाह लेके फिर आपको जो डॉक्टर बता देंगे उसी हिसाब से उपचार शुरू करें। सर, ब्लैक फंगस के लिए आ रहा है, आज हम लोग प्लानिंग शुरू कर रहे हैं ताकि खासतौर पर जो पोस्ट कोविड का जो होता है, खासतौर पर यहाँ जिला अस्पताल में कल से हमारा प्रारंभ हो जाएगा ओपीडी, वैसे आज से प्रारंभ कर दिए हम लोग। जो कोविड मरीज जो कितने लोग निकले हैं, महिला और पुरुष दोनों हॉस्पिटल में, हम लोग ओपीडी उन लोगों के लिए चलवा रहे हैं, ताकि हो सकता है इस पर कहीं ना कहीं कोविड की वजह किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, ये जो आप बता रहे थे ब्लैक फंगस का भी, उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए तो मैं सबको अनुरोध करता हूँ, जो भी मरीज़ कोरोना से बाहर निकलने के बाद कम से कम 1 सप्ताह के बाद एक ज़रूर टेस्ट करा दीजिए, आपका खून का जाँच कर दीजिए। खासतौर पर KFT LFT कहते हैं, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और खून की बेसिक जाँच है, उससे पता चल जाता है यदि अंदर में और कोई इन्फेक्शन रह गया हो, और हो सकता है हार्ट का और कहीं किडनी का कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाता है, उसी हिसाब से आप उपचार शुरू कर सकते हैं। देखिए अनुरोध करता हूँ, और इसके फैसिलिटी हम लोग कल से जिला अस्पताल पुरुष और महिला में भी प्रारंभ कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी टाई अप कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी पोस्ट कोविड जो रिकवरी के लिए, यानी जो कोविड से जो निकलने वाले का उपचार शुरू कराएंगे। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, कितने लोग कोविड में जो प्रभावित हुए हैं, तकरीबन 10,000 लोग के आसपास गोरखपुर में हैं, सब लोग एक बार जाँच करा करके डॉक्टर से ढंग से उपचार ले लीजिए।